जमाने में एक बादशाह ने जब अपनी बेटी की शादी करना चाही तो उसने ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी मेरी बेटी के साथ एक रात बताएगा मैं उसी के साथ उसकी शादी करूंगा। ये सुनकर बहुत से किस्मत आजमाई के लिए लड़के आना शुरू हो गए। बादशाह ने अपनी बेटी के निचले प्राइवेट पार्ट पर रंग लगा दिया और दिल में सोचा मैं इससे शादी करूंगा जो उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। लेकिन जब लड़का अगले दिन बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा कि अपना एल दिखाओ। तो बादशाह ने देखा तो उस पर रंग लगा हुआ था। बादशाह ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर अगले दिन जो लड़का आया, अगले दिन बादशाह ने जब एल देखा तो उस पर भी रंग लगा हुआ था। बादशाह ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इस तरह दिन गुजरते गए। लेकिन 11वें दिन के बाद एक लड़का आया। अगले दिन बादशाह ने उससे कहा कि अपना एल दिखाओ। जब उसने एल दिखाया तो उस पर कोई रंग नहीं था। बादशाह जब देखकर लुटियां डालने लगा, खुश हुआ कि एक ईमानदार शख्स जो कि मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मिल गया है। बादशाह ने मिठाई बांटना शुरू कर दी और लड़के से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूंगा क्योंकि तुम ईमानदार हो। बादशाह ने खुशी से लड़के को लड्डू खिलाना चाहा। जब लड़के ने मुंह खोला तो बादशाह बेहोश हो गया क्योंकि इस कमीने की जुबान पर रंग लगा हुआ था। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। आदमी अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, हमारी कामवाली की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। डॉक्टर ने कहा, अब इसको एक हफ्ता अलहरा करना पड़ेगा। आदमी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक दिन मैंने इसकी किस ली थी। डॉक्टर ने सुनकर कहा, ओ फिर तो आपको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। आदमी ने फिर कहा, वो दरअसल उसे किस करने के बाद जब मैं घर गया था तो मैंने अपनी बीवी की भी किस ली थी। ये सुनकर डॉक्टर आग बबूला होकर बोला, दुर्ग टेमो तुम्हारा, अब मुझे भी 7 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा।